हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए ट्रेनिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कौन सी फॉर्म फिल करनी है, कब फॉर्म फिल करनी है, कितने मंथ की ट्रेनिंग है और आप ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो, कि आपको फॉर्म में करनी है। अगर आप सीए फॉर्म को ज्वाइन करते हो तो क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप अप्लाई करोगे, कौन सी फॉर्म फिल करनी होगी, क्या आप ट्रेनिंग नहीं भी कर सकते हो, क्या आप डायरेक्टली जॉब के लिए जा सकते हो, क्या फिर जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो भी सीएमए कर सकते हैं विदाउट ट्रेनिंग किए हुए। तो सारी चीजें, उन सारे डाउट्स का सॉल्यूशन ये वीडियो है। आप ट्रेनिंग के टाइम में कितने दिन की छुट्टियां ले सकते हो, आप अपने एग्जाम के लिए, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप सीए फॉर्म में ट्रेनिंग करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन सी फॉर्म कब फिल करनी है, सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो प्लीज इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, बिकॉज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है एंड फिर मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोज भी रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं। मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ। आपको मेरी स्क्रीन अब दिख रही होगी। ओके, सो हम वन टू वन, वन बाय वन हम सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये है न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम 2020। बिकॉज ये स्कीम 2020 में आया था, इसलिए इसका नाम यही है, न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम 2020। हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रेनिंग कितने ड्यूरेशन का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, तो ये वन बाय वन सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज कंप्लीट वीडियो जरूर आप देखना। सबसे पहली बात, आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 15 मंथ की होगी, राइट? समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आप किस किस कंपनीज में आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो, तो देखो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। एक, आप किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर में आप काम कर सकते हो, या फिर आप किसी सीएमए फॉर्म में काम कर सकते हो। सीएमए फॉर्म में एक से ज्यादा कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो तो आपके पास ये लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप काम कर सकते हो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर में आप काम कर सकते हो, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप काम कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज में आप काम कर सकते हो, सिटीज कॉलेज में भी आप काम कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एनजीओ, या फिर आप सीए एंड सीएस फॉर्म में भी आप काम कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि जो बच्चे सीए एंड सीएस कर रहे हैं उनकी सीए एंड सीएस की मैंडेटरी ट्रेनिंग यहाँ पे, उसका आपको कोई सेट ऑफ का एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको सीएमए की अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। होप सो कि यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं, अगर आप सीए एंड सीएस फॉर्म में जाते हो एज ए ट्रेनी, सीएमए ट्रेनी, तो आपको क्या क्या चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस सीए फॉर्म में या फिर सीएस फॉर्म में सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, अब ये डिवीजन क्या होता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो को देखते जाओ। अभी हम बात करते हैं आप सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के बारे में। देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एमआईएस, सॉरी, इन सब एरिया में आपको काम करना पड़ेगा। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सारे फॉर्म की टर्नओवर क्या होनी चाहिए। देखो, अगर आप सीए एंड सीएस फॉर्म में जाते हो तो कम से कम 25 लाख की उनकी टर्नओवर होनी चाहिए। मैं आपको ये सजेशन दूंगा, बिकॉज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी छोटे फॉर्म्स में नहीं होती है, बड़े सीए फॉर्म में होते हैं, उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग वर्क के लिए। जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी स्टेट ऑडिट का अलग होता है, इंटरनल ऑडिट का अलग होता है, वो बड़े सीए फॉर्म्स में होते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप उन सीए फॉर्म को टारगेट करो या फिर सीएस फॉर्म को टारगेट करो जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ हो या 1 करोड़ से ज्यादा हो। वहां पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, आप वहां पे इजीली अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि आप सीए एंड सीएस फॉर्म में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन। एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन का मतलब है कि ये सारे एरिया जो सेपरेटली हो उस कंपनी के अंदर, उस फॉर्म के अंदर, सॉरी,
ये भी मैंने पॉइंट आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगर आप ये सारे एरियाज हैं, ये सारे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में आप ट्रेनिंग कर सकते हो, बट इन सेक्टर्स के अंदर एरियाज डिफाइन किए गए हैं किन एरिया में आप काम कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो ये लिस्ट ऑफ चीजें दी गई हैं जिस एरिया में आप काम कर सकते हो। अब आपको काफी अच्छे से दिख रहा होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो जो सीएमए के सिलेबस में 20 सब्जेक्ट्स हैं उन सारे एरियाज में आप काम कर सकते हो, जो भी आपने अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, आप उन एरियाज में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आप टीचिंग में भी आप जा सकते हो, अगर आपने कहीं एज ए टीचिंग काम कर रखा है तो आपके उस एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन में भी आप काम कर सकते हो, फाइनल के सिलेबस में भी है इंसॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन। तो ये सारे एरियाज है जहाँ पे आप काम कर सकते हो और ये सारे सेक्टर है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा था आप इन सारे एरियाज में और इन सारे सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो एज ए सीएमए ट्रेनिंग। होप सो कि अभी तक की बातें आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो बिल्कुल क्लियर सा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज कमेंट करो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं आपको बात करूं कि ये 15 मंथ की ट्रेनिंग किन के लिए, तो जो भी स्टूडेंट्स ऑन और आफ्टर 11th फेब को रजिस्टर्ड हुए हैं उनके लिए 15 मंथ की ट्रेनिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब ये जो ट्रेनिंग है इसमें आपको फॉर्म्स फिल करने हैं, इंस्टीट्यूट को सबमिट करने हैं, उस फॉर्म्स के क्या ड्यू डेट्स हैं, आपको कब कौन सी फॉर्म को फिल करनी है, तो हम वन बाय वन बात करेंगे। अगर आप दिसंबर में पेपर दे रहे हो एंड अगर आप जून में पेपर दे रहे हो, अगर आप दिसंबर में पेपर देते हो तो आपके लिए 31 अगस्त आपके लिए लास्ट डेट होगा फॉर्म को सबमिट करने के लिए। कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये कंप्लीशन फॉर्म की बात कर रहे हैं। कंप्लीशन फॉर्म का मतलब T5, आपको T5 फॉर्म सबमिट कर देना है अगर आप दिसंबर में पेपर दे रहे हो तो 31 अगस्त को, अगर आप जून में पेपर दे रहे हो तो 28th या 29th फेब को आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 10 मंथ एटलीस्ट, इसका क्या मतलब है, देखो आपकी जो ट्रेनिंग तो ऑलरेडी चल रही होगी और ये फॉर्म आपको अगस्त में और फेब में सबमिट करना है, जबकि आपके जो पेपर्स होंगे वो जून में होंगे और दिसंबर में होंगे, तो हो सकता है कि आपके 15 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो अगस्त में। सो इसलिए कम से कम आपकी 10 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो अगस्त में और फेब में, जिसके बाद आप अपना पेपर उस पार्टिकुलर अटेम्प्ट में आप दे सकते हो। होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आइडिया नहीं है, आप कंपलसरी नहीं है सीएमए में कि आप किसी सीएमए फॉर्म में ही ट्रेनिंग करो या फिर आप एज ए इंट्रेन कहीं पे रजिस्टर्ड हो, आप एज ए एम्प्लॉय भी कहीं पे काम कर सकते हो और आप एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हो। आप एज ए एम्प्लॉय अगर आपने बीकॉम के बेसिस पे, एमकॉम के बेसिस पे ऑलरेडी काम कर रखा होगा तो आप उस एग्जेम्पशन को आप क्लेम कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपकी कंपनी है वो अपेंडिक्स ए एंड अपेंडिक्स बी में आनी चाहिए। अब अपेंडिक्स ए एंड बी क्या है, देखो आपकी जो कंपनीज है वो इन सेक्टर्स में होने चाहिए, ठीक है, इन सेक्टर्स की कंपनीज होने चाहिए और ये एरियाज ऑफ वर्क होने चाहिए आपके। लाइक अगर आपने इन सारे सेक्टर्स में काम किया है एज ए एम्प्लॉय और इन सारे एरिया में काम किया है तो आप उसका एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। अब एग्जेम्पशन क्लेम करते हो तो आगे क्या कंडीशन है, आप उसके लिए डायरेक्टली T3 फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के पास। और ये T3 फॉर्म कब आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे बताया गया है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एलोंग विथ फॉर्म T3। आपको क्या क्या पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, देखो डॉक्यूमेंट में आपको पहले अपना एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करना है, आपने किस पीरियड से किस पीरियड तक काम किया है, किस पोजिशन पे काम किया है, आपके एरिया ऑफ वर्क क्या थे। इसके अलावा कंपनी के ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि सर हमें ऑडिटेड बैलेंस शीट हमारे एम्प्लॉयर्स नहीं देते हैं,
तो आप आरओसी से डायरेक्टली आप ऑडिटेड बैलेंस शीट निकलवा सकते हो, 100 या 200 रुपीज की फीस आती है, या फिर आप उनसे एक लेटर हेड पे कंपनी के लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो भी टर्नओवर है आप उसको लिखवा के, उनके जो भी सिग्नेचर हैं, मुहर हैं, आप उस पे स्टाम्प लगवा सकते हो, वो भी कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप भी इम्पोर्टेंट, सॉरी, इसके बाद अगर जो लोग ऑलरेडी चार्टर अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट हैं उनके लिए, और वो उनके लिए एक डिफरेंट रूट है। सो अब हम बात करते हैं ड्यू डेट्स की। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स और T3 फॉर्म कब सबमिट करना है, उसका जो आपका ड्यू डेट है वो 31 मई है एंड 30 नवंबर है। 31 मई अगर आप जून में पेपर देना चाहते हो, 30 नवंबर है अगर आप दिसंबर में पेपर देना चाहते हो, ये लास्ट डेट है। आप इससे पहले कभी भी आप सबमिट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद अगर आप करते हो तो उस पार्टिकुलर अटेम्प्ट में आप पेपर नहीं दे पाओगे, आप उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप पेपर दे पाओगे। सो ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर इंटीमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीमेशन कैसे करना है, देखो जो आपको इंटीमेशन करना है वो विद इन 30 डेज के अंदर आपको इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ऐसा नहीं कि आज आज ही आपने किसी फॉर्म को ज्वाइन किया और कल आप इंटीमेट कर दो, नहीं, पहले आप उस फॉर्म को समझो, उस एम्प्लॉयर को समझो जिसके आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा एम्प्लॉयर अच्छा नहीं है, मुझे बहुत काम करवाते हैं। तो आप जब वहाँ पे 15 दिन 20 दिन अगर आप काम कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये पार्टिकुलर फॉर्म कैसी है आपको, क्योंकि अगले 15 महीने उस फॉर्म में आपको बिताने होंगे। तो पहले आप उस फॉर्म का एटमोसफियर, इन्वायरमेंट, कल्चर आप समझो, एंड देन आप इस फॉर्म को फिल करो, अदरवाइज आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। एम्प्लॉयर कैसे चेंज होना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको 30 डेज में आपको इंटीमेशन करना है। इंटीमेशन के लिए क्या है, इसमें प्रोसीजर क्या होता है, लाइक अगर आप किसी फॉर्म में काम कर रहे होते हैं तो उस केस में आपको यूडीन होता है, वो आपका एम्प्लॉयर यूडीन करेगा, आप उसको फॉर्म सबमिट करके फिल करके दोगे, वो यूडीन करके इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे यूडीन करेगा, देन आपको फॉर्म सिग्नेचर ये सब करके दे देगा, फिर आपको अपने पोर्टल पे अपलोड कर देना है, ठीक है। ये T1 फॉर्म है उन बच्चों के लिए जो किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, किसी CMA फॉर्म में, या फिर वो सिंगल पर्सन हो सकता है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। अगर आप किसी CA फॉर्म में, CS फॉर्म में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो इन दैट केस आपको T4 फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ T4 फॉर्म। एंड T5 किन को सबमिट करना है, दोनों को, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको T5 फॉर्म सबमिट करना है। हम फॉर्म को भी ओपन करके देखेंगे कैसा लगता है ये फॉर्म देखने में। आपको सारे फॉर्म इंस्टीट्यूट के साइट पे अवेलेबल है, आपको इंस्टीट्यूट के साइट पे सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। ये पार्ट पे यहीं तक था। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ एम्प्लॉयर, आप कितने सारे एम्प्लॉयर को आप चेंज कर सकते हो। देखो आप मैक्सिमम 3 एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो विद इन दी 15 मंथ ऑफ ट्रेनिंग, और आपको हर एक चेंज के बारे में इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा विद इन दी 30 डेज के अंदर, ठीक है। 30 डेज में आपको अपने चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में अपने इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं भी ये कंडीशन नहीं दिया गया है कि यहाँ पे कहीं भी ये कंडीशन नहीं दिया गया है कि आपको एक एम्प्लॉयर के अंदर 6 मंथ या 1 ईयर काम करना है। यहाँ पे इन्होंने बस ये दिया है कि आप 3 टाइम आप अपने एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हो विद इन दी 15 मंथ। तो इसका मतलब ये होता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कि आप 2 महीने में भी आप अपने एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, 3 महीने में भी आप अपने एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, बट उस 15 मंथ के ड्यूरेशन में आप 3 से ज्यादा आप एम्प्लॉयर नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। होप सो कि आपको चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी आपको समझ में अब आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मिनिमम स्टाइफन। देखो स्टाइफन जो है, अगर आप फॉर्म में जाते हो तो आपको 2000, 3000 एंड 4000 रुपीज मिलेगा, अगर आप कंपनी में जाते हो तो मेट्रो सिटीज में 10000, 12000, 500 एंड 15000 है, और नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर 8000, 10000 एंड 12000, ये मिनिमम स्टाइफन है, ठीक है। आपको इतना कम से कम मिलेगा, कंपनी इससे ज्यादा भी पे करती है, 12000, 15000, 18000, 22000 तक का स्टाइफन भी कंपनी पे करती है, ये मिनिमम स्टाइफन है एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। इतना कम से कम इंस्टीट्यूट को पे, कंपनीज को पे करना है, सॉरी। अब हम बात करते हैं छुट्टियों के बारे में।
आप कितना छुट्टी आपको मिल सकती है? देखो, एक मंथली छुट्टी आपको मिलेगी जिसके लिए आपके कोई भी स्टाइफन में से कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। एक पेड लीव जिसको हम बोलते हैं वो आपको मिलेगा। इसके अलावा आप टोटल 15 मंथ के ड्यूरेशन में आप मैक्सिमम 60 डेज का आप लीव ले सकते हो अपने पेपर के लिए। अगर आप 60 डेज से ज्यादा का लीव लेते हो, इन डैट केस आपको जितनी भी आपने एक्स्ट्रा छुट्टियां ली हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उतने एक्स्ट्रा डेज आपको काम करने पड़ेंगे, आपका टेन्योर उतना से एक्सटेंड होते चला जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस थे। अब हम देखते हैं फॉर्म्स को। तो अब हम इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे चलते हैं और सारे फॉर्म्स को वन बाय वन चेक करते हैं कि आपको डिटेल्स फिल करने हैं इन फॉर्म्स में। यहाँ पे देखो, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर्म्स का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन फॉर्म्स, आपको इसको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको T1 एंड T4 फॉर्म अगर आप फिल करते हो तो आपको 2500 रुपीज का आपको फीस पे करना है। एंड जब आप T3 फॉर्म फिल करोगे तो आपको 4500 रुपीज की फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो। T1 फॉर्म उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी प्रैक्टिसिंग CMA के अंडर या फिर एक फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स में काम करना चाहते हैं, वो इस पार्टिकुलर फॉर्म को फिल करेंगे T1 को। जो हमारी T4 फॉर्म है, T4 फॉर्म उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर अगर आप CA CS फॉर्म को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उस केस में भी आपके लिए T4 फॉर्म अप्लीकेबल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताई है। आपके CA एंड CS के ट्रेनिंग का कोई बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, आपको सेपरेटली करना पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। सो सेम है T4 फॉर्म। T5 फॉर्म जो है, आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी इन दैट केस आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है इंस्टीट्यूट के पास। इसमें आपको कोई भी फीस पे नहीं करना है, बिकॉज ये आपकी जस्ट इंटीमेशन है कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है उसके लिए, इसलिए आपको इस केस में कोई भी फीस नहीं पे करना पड़ेगा। आप सारे फॉर्म आप यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करो, कौन सी फॉर्म आप अपलोड कर रहे हो आपको सिलेक्ट करना है, ये डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है एंड सबमिट करना है। उसके बाद आपके पास एक विंडो आएगा जिसमें आपको अपने स्कैन फॉर्म को अपलोड कर देना है एंड सबमिट कर देना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन से CMA प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में होप सो कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करें। थैंक्स पैट, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।